और अब बात बदायूं की। बदायूं में दबंगों ने दी छेड़खानी का विरोध करने की सजा। दबंगों ने युवती के भाई का अपहरण कर बेरहमी से पीटा है। युवक को बरेली से अपहरण कर बिनावर लाए थे ये दबंग। आपको बता दें, युवक को पूरे गांव में घुमाते हुए लगवाई गई है उठक बैठक। दबंगों ने युवक को लोगों के पैर छूने पर भी मजबूर किया। युवक पर दबाव बनाकर छेड़खानी के आरोपों से करवाया इनकार। दबंगों ने मारपीट करते हुए युवक का वीडियो भी बनाया है। आनंद फानन में मौके पर पुलिस पहुंच गई है। फिलहाल पुलिस ने छह दबंगों को दबोचा है और दो तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पहले में पूरे में गांव में घुमाया है इन दबंग युवकों ने। आपको बता दें कि छेड़खानी का विरोध कर रहा था ये युवक और उसके बाद उठक बैठक भी लगवाई, यहां तक कि लोगों के पैर भी छूने पर मजबूर किया इन दबंग युवकों ने। तो एक बार फिर से कानून प्रणाली की व्यवस्था को ठेंगा दिखाया। ये हमारे पिताजी, उन्होंने हमें वो संस्कार नहीं दिए हैं कि हम किसी प्रोग्राम में जाएं और वहाँ की माँ बहनों को छेड़े। ठीक है, वहाँ छेड़खानी करें। ठीक, जो निजी था वो निजी था, आरोप गलत था। आज घटना ये करी, 30-35 लोग जाके ढाबे पे बड़ी गाड़ी बोलेरो ले गए, 20-25 मोटरसाइकिल लेके गए। इन लोगों ने जाके हमारे लड़के को उठा लिया, तो उठा के लाके इन लोगों ने देखो पूरे बिनावर में घुमाया, जूते में पेशाब भर के पिलाई और चप्पल जूतों को थूका, फिर उससे कई चाटो और उसे मारा, गालेमान पकड़ के उठक बैठक लगाई जगह जगह 10-10 कदम पे। जो कि हमारे खुद की रिश्तेदारी यहाँ पर है, उसने आवाज उसे कुछ मतलब पाबंदी करी होगी कि किसी को बुलाना मत। ये एक रवि नाम, रवि गुप्ता नाम की व्यक्ति है बिनावर का। इसके रिलेशन में कुछ शादी थी यहाँ बदायूं में। ये शादी में आया था, उसी शादी में इसका एक दोस्त है वो भी आया हुआ था, उसका नाम विमल प्रताप है, वो भी आया हुआ था। इन लोगों में इनका कहना है कि रवि ने शराब पी रखी थी, इनके कोई झगड़ा हुआ है शादी में ही, उसे लेकर के विमल प्रताप फिर अपने को साथी को ले जा गया बाद में, फिर इनसे मारपीट की है और माफ़ी वगैरह भी इससे मंगवाई है। मारपीट हुई है और पुलिस इन साक्ष्य इकट्ठा कर रही है और जो धारा में सही होगा उसको कार्रवाई कर रही है।